श्री राम जय राम जय जय राम 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 हल्का सा रिवाब देना हल्का सा रिवाब श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। क्या कहा अरे ओम नहीं सुन क्या कहा आपने हाँ बराबर है अच्छा थोड़ा सा रिवर्ब दिया काल जास्त होता सुरुवातीला मग एकदम ड्राई झालं ते थोडं चारणाचं द्या हरिओम हरिओम ठीक आहे शांति पाठ से शुरुआत करते हैं। अपने मोबाइल साइलेंट पे रखिए या फ्लाइट मोड पे रखिए। हो सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिओम। ये पीछे और दो लाइट चल सकते हैं क्या? थोड़ा अंधकार दिखता है पीछे लाइट्स। हाँ वेरी गुड। कल भी दरकार था। ओह सो नाइस। नहीं बचा के रखे थे क्या? इतना अच्छा लग रहा है अभी देखा। हाँ आज के दूसरे दिन के सत्र में साधक की यात्रा के आपका स्वागत है। कल हमने इसका आरंभ किया और दो टॉपिक्स के ऊपर हमने थोड़ा चिंतन किया और गायन भी किया। तो पहला टॉपिक था कल का संतों की सीख। संत हमको क्या सिखाते हैं? पहले संत कौन है, संत क्या करते हैं, उनके क्या गुण है, यह हमने देखा। वो हमको हमारा मन भगवान में लगाते हैं। हरि पद प्रकट करावत प्रीति, और भ्रम जो है भारी भ्रम को नष्ट करते हैं, और उनकी रीति तरीका जो है अलग ही रहता है। तो ये संत, और हम सब भाग्यशाली है कि हमारे भारत में अनेक सारे संतों का अवतार हुआ जिन्होंने हमको गाइड किया। तो ऐसे संत हमको कहते हैं कि आप उठो, उठ जाग मुसाफिर, और अपना मन भगवान में लगा देना। वो हमको नाम की साधना में प्रवृत्त करते हैं। भगवान का नाम लो, हर क्षण नाम लो,
सोने से पहले, उठने के बाद, दिन रात, सुबह शाम भगवान का नाम लेना। और ये भी कहते हैं कि जिस दुनिया के पीछे, जिन विषयों में तुम लगे हो, ये सब क्षणिक है, नश्वर है, और जो एक शाश्वत चीज़ है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप। हाँ, तो अपने मन को उसमें लगा दो। अपने बीवी बच्चे, ज़मीन जायदाद, ऐश्वर्य, ये सब एक ना एक दिन हमको छोड़ के जाना है, लेकिन जो अच्छे कर्म हम करेंगे, जो साधना हम करेंगे, वो हमेशा हमारे साथ चलेगी आगे, अगले जन्म में भी। तो इसलिए सत्कर्म करो, सद्वासनाओं का अर्जन करो और आगे बढ़ो। फिर इस प्रकार से जब हम अनेक सत्संग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान हमारे जीवन में गुरु को भेजते हैं, यानी भगवान हमको ज्ञान देते हैं। प्रीति करत जो रहित कामना, ज्ञान मैं दूँ उसे कहत भगवान। तो ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरे से प्रेम करेगा किसी अपेक्षा के बिना, रहित कामना, विदाउट एनी सेल्फिश एक्सपेक्टेशंस, तो मैं उनको ज्ञान देता हूँ। अभी ज्ञान कैसे देते हैं? तो हमारे जीवन में एक गुरु को भेजते हैं, ज्ञानी गुरु को भेजते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपनी पीठ भी थपथपाई थी, याद है कि हम लोगों को गुरुदेव की छत्र छाया प्राप्त हुई है, वो भी वेदांत का ज्ञान देने वाले, जो सबसे ऊँचा ज्ञान है। तो ऐसे गुरु के पास हम कैसे जाएं? जाने के बाद क्या करना चाहिए? तो हमने कहा कि पहले गुरु को कैसे पहचाना जाए। तो बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा को बिलोंग करता है कि नहीं, जिनके सानिध्य में हमको शांति का अनुभव होता है कि नहीं, जिनके सानिध्य में, जिनके वचनों से हमारे प्रश्नों का समाधान होता है कि नहीं, जो निस्वार्थी है कि नहीं, ये सब निकष है जिसके ऊपर हम सही गुरु को पहचान सकते हैं। और एक बार सही गुरु की पहचान हो गई तो हमको उनको साष्टांग दंडवत करना है, और दंडवत करके फिर उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा से गुरु के साथ तालमेल बैठता है, हमारा तमोगुण नष्ट होता है, और हमारे राग द्वेष कम हो जाते हैं, अहंकार कम होता है, इसीलिए सेवा बताई है। और उसके बाद फिर गुरु कहते हैं कि आपको फिर सेवा, हाँ, परिप्रश्ने न सेवाया। तो सेवा के बाद गुरु खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या जानना चाहते हो शिष्य। उसके बाद ही शिष्य को अधिकार मिलता है कि वो प्रश्न पूछे, उसके पहले नहीं, एज पर अवर ट्रेडिशनल गुरु कुल सिस्टम। ओके, तो प्रश्न कौन से पूछे? तो ये भी हमने देखा कि अपने आत्मा से, स्वरूप से संबंधित या साधना से संबंधित ही प्रश्न पूछने चाहिए। सांसारिक प्रश्न किसी महान सद्गुरु से नहीं पूछने चाहिए, यथासंभव ऐसा कहेंगे। तो ये बंधन क्या है, ये कहाँ से आया, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, हाँ, और कथम विमोक्षः, को नाम बंधः, कथम एष आगतः, कथम प्रतिष्ठा, ये बंधन बना कैसे रहता है, इस बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी, अनात्मा यानी क्या है, आत्मा यानी क्या है, इन दोनों के बीच में हम विवेक कैसे करें, ये सब प्रश्न है। तो हमारे भगवद गीता में भी अनेक सारे प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं। उपनिषदों का जो तरीका है, जो पैटर्न है, उसमें क्या है, ननु बोलते हैं वो, ननु मीन्स व्हाट, क्वेश्चन, एंड इट स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन, सम उपनिषद स्टार्ट्स विद क्वेश्चन ओनली, केन येषितं पतति प्रेषितं मनः, तो हमारा मन जो है विषयों में किस कारण से प्रवृत्त होता है, हमारी इंद्रियां विषयों में कैसे प्रवृत्त होती है आदि, केन उपनिषद। तो ऐसे प्रश्न पूछो, योग्य प्रश्न पूछने चाहिए, तो गुरु भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बैठो, आ जाओ, हम धन्य हो गए कि तुम्हारे जैसे शिष्य हमको मिले। और फिर गुरु उनको उपदेश देना शुरू करते हैं। तो क्या उपदेश देते हैं, यहाँ तक हमारा सीरियल आया था कल अब आगे तो ये फ्लैशबैक था। तो गुरु कहते हैं कि हम सब में तीन दोष है। शिष्य कहता है सिर्फ तीन, मुझे लगा तो असंख्य है तो बड़े कम कर दिया आपने तो सभी दोषियों को हम तीन में विभाजित कर सकते हैं। अरे कौन से है तीन दोष?
तो एक है मल, बोलिए जरा, हाँ मल। दूसरा है विक्षेप, बोलिए, हाँ। और तीसरा है, हाँ, आवरण। हमको, हम आपको क्या बताएं, आप तो पहले से जानते हैं, सब रिवीजन है, ओके। तो ये तीन दोष है, शास्त्र कहता है कि हम हर एक साधक में या हर एक व्यक्ति में रहता है। मल का मतलब क्या है कि मन की गंदगी, मन के राग द्वेष, ये सब काम आदि विकार जो है, ये सब मल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है विक्षेप, यानी मन की चंचलता, अनस्टेडी माइंड, फिकल माइंड जिसको कहते हैं। और तीसरा है आवरण, यानी अपने आत्मा के ऊपर अविद्या का आवरण है, या अपने स्वरूप के ऊपर एक आच्छादन पड़ा हुआ है अविद्या का। तो ये तीन दोष हैं। तो बोले इन तीन दोषों को अगर निवृत्त करना है तो उसके लिए तीन योग शास्त्र कहता है। तो पहला दोष है मल, अभी सब यहां देखना है, इकड़े इकड़े बगल योगी नहीं, हाँ, कोई भी आ जाए यहाँ पे देखना है। ये दूसरा दोष है, विक्षेप बोलते हैं इसको। मच्छर भी काटे तो भी नहीं मारना, देखो फुल एकाग्रता। अच्छा, तो विक्षेप, तो पहला है मल। तो मल को कैसे हटाएंगे, बोले उसके लिए कर्मयोग बताया। कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करना है कर्म करते वक्त, और जब उसका फल आता है कर्म का तो प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करना, ये कर्मयोग है। दूसरा है विक्षेप, मन की चंचलता, उसको अगर सुधारना है तो योग बताया है भक्ति योग या उपासना योग, ये फंडामेंटल है, भी इसी के ऊपर आगे और फिर कल हम प्रवचन करेंगे और यही है अपना टॉपिक। तो विक्षेप यानी चंचलता को स्थिरता में बदलना है तो भक्ति करो भगवान की या उपासना करो। और तीसरा है दोष क्या है, आवरण है स्वरूप के ऊपर। तो आवरण कैसे हटेगा अविद्या का, विद्या से, ज्ञान से। तो ज्ञान योग है, तो ज्ञान प्राप्त करो स्वरूप का तो अज्ञान हट जाएगा। तो ये तीन योग और इनके, ये तीन दोष और इनके तीन उपाय, तीन योगों के रूप में बताए गए हैं। तो आज हम विचार करेंगे कर्मयोग और भक्ति योग के ऊपर, थोड़ा सा विस्तार से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि आप तो सब जानते हैं। तो इसको एक भजन के साथ हम शुरुआत करते हैं। Divine pair. सब लोग गाइए, बड़ा पॉपुलर भजन है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान लानी लाभ सही है, विधि का विधान जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दिन्द
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, फल आशा त्याग शुभ काम करते रही है, फल आशा जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि ताहे विधि रहिए, ताहे विधि रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पे कहा कि आप सीताराम 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 कहिए, और भगवान जिस प्रकार हमको रख रहे हैं वैसा रहिए आप। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जैसे भगवान ने हमको रखा है वैसे आप रहो। अभी कर्मयोग, फर्स्ट दोष इज मल, उसके लिए उपाय है कर्मयोग करना है। अभी कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? हाँ, पांच प्रकार के होते हैं। तो पहला कर्म होता है, बताओ, रिविजन। हाँ, गुड। नित्य कर्म होता है, फिर होता है नैमित्तिक कर्म, फिर काम्य कर्म होता है, फिर निषिद्ध कर्म, NONO। और निषिद्ध कर्म करने के बाद क्या करना पड़ता है? प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। तो ये पांच प्रकार के कर्म है। तो नित्य यानी जो हम हमेशा करते हैं या हमेशा करना चाहिए, जैसे स्नान करते हैं तो ये नित्य कर्म है। संध्या वंदन, ये भी नित्य कर्म माना गया है, ब्रह्मचारी के लिए या गृहस्थों के लिए नित्य कर्म है ये। नैमित्तिक यानी ओकेशनली जब हम कोई कर्म करते हैं, तो किसी के विवाह में जाना है किसी के अंतिम संस्कार में जाना है या किसी पार्टी में जाना है इत्यादि, ये नैमित्तिक होता है। किसी निमित्त से जब हम कोई कर्म करें तो उसको नैमित्तिक करते हैं कहते हैं। काम्य कर्म यानी कोई इच्छा की तृप्ति के लिए हम कोई कर्म करते हैं, जैसे सिनेमा में जाते हैं, कोई आइसक्रीम खाने जाते हैं, कोई पिज्ज़ा हट में जाते हैं इत्यादि, ये काम्य कर्म है। निषिद्ध यानी जिसको शास्त्र ने कहा है कि इसको नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिटेड एक्शन, तो उसको निषिद्ध कहते हैं। तो जैसे चोरी मत करो, किसी को फंसाओ नहीं इत्यादि। और निषिद्ध कर्म किया समझो, जाने जानकर या अनजाने में, तो उसके लिए फिर एंटीडोट प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। कोई अपराध हो गया तो उसके लिए फिर कहते हैं कि आप इतने बार गायत्री जप करो, कोई अनुष्ठान करो या दान करो या किसी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, गंगा जी में स्नान करो इत्यादि, कुछ कर्म बताए जाते हैं, वो प्रायश्चित कर्म होते हैं। तो हमारा भगवान कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण के लिए भी हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते, बराबर। और कर्म जो है हमको बांधता है, कर्म का एक नियम है कि वो बांधेगा। बोले कब बांधता है?
जब उसको सही सही दृष्टि से भावना से नहीं करेंगे तो बंधन का कारण बन सकता है। लेकिन वही कर्म अगर एक पर्टिकुलर एटीट्यूड के साथ करते हैं, एटीट्यूड यानी आज वाला आपको स्लैंग एटीट्यूड शब्द नहीं ये द ग्रेट एटीट्यूड बोलते हैं वो वाला नहीं, एक दृष्टि से एक भावना से करेंगे तो वही कर्म हमको मुक्ति भी करता है। तो रमण महर्षि जी ने एक श्लोक बताया है, एक सिद्धांत बताया है, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। तो कर्म मुक्ति साधकम बन सकता है, मुक्ति देने वाला बनेगा। बोले कब? ईश्वरार्पितम, ईश्वरार्पण बुद्धि से उस कर्म को करो। न इच्छया कृतम यानी उस कर्म में कोई अपना विशेष इंसिस्टेंस जिसको कहते हैं बल, कोई दृढ़ इच्छा रखते कि रखे बिना, स्वार्थी इच्छा रखते रखे बिना आप उसको करो। न इच्छया कृतम चित्त शोधकम, ऐसा ही कर्म हमारी चित्त शुद्धि का कारण होगा और फिर उसी से हमको मुक्ति भी मिलेगी, मोक्ष साधकम। तो कर्म, अब ये पांच प्रकार के कर्म बताए हैं, उसमें नित्य कर्म करने ही पड़ते हैं, वॉट एवर यू डू, खाना तो पकाना पड़ता है, ऑफिस तो जाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, तो उस वक्त क्या करो? यहाँ देखो क्या करो हाँ फुल अटेंशन। वहाँ पे मित्रानंद जी करते हैं कुछ टेक्निक्स अलर्ट रखने के लिए बच्चों को, क्या बोले जहाँ पे भी यूथ शब्द आएगा, कोई चिक शब्द आएगा, गुरुदेव आएगा, तो आपको ऐसे करना है। तो गुरुदेव बोला उन्होंने, गुरुदेव द ग्रेट मैन, सो दे हैव टू बी अटेंटिव। एनीवे, तो नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म जब आप करेंगे तो उसको भगवान को अर्पण करना है। जैसे गृहिणियाँ हैं तो उनको खाना पकाना पड़ता है कंपल्सरी, तो कैसे करो खाना पकाते वक्त? अभी आज अम्मा के घर में गया था मैं, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा एग्जांपल दूंगा मैं आपका, जब वो माखन जो लगाते हैं ना, तो कहो बोले कि यशोदा ने बनाया और कान्हा ने खाया, ऐसा बना के वो जमाते हैं ना, दही जमाते हैं, तो वे परफेक्ट बनेगा, और उनका माखन इतना बढ़िया बना था, माखन ही ना वो दही, दही परफेक्ट, वेरी सॉफ्ट एंड कोई खट्टा नहीं था, एकदम बढ़िया। और भी कुछ तो कहा था आपने, दूसरा क्या था? हाँ, तो पार्वती जी ने बनाया और शिव जी ने भोग लगाया, ऐसा बोलो खाना पकाते वक्त, है खाना आप बनाते हैं तो खाना आपका बढ़िया बनेगा। तो आप खाना बना रहे कंपलसरी है, करना ही है, तो वो भगवान की पूजा है इस भाव से करना चाहिए। ओके, तो भगवान कौन है? बोले पति परमेश्वर है हो या ना हो उसमें क्वालिटीज, बट यू हैव टू उनके ऊपर वो गुण, इसको बोलते हैं उपासना, आवाहन करो कि वो पति परमेश्वर ही है, उनके लिए मैं कर रही हूँ, बच्चों के लिए पका रहे हैं खाना बना रहे हैं, तो बच्चे भी भगवान का रूप है, नटखट कृष्ण के रूप है, इस दृष्टि से अगर हम खाना बनाएंगे तो वो भी ईश्वरार्पण बुद्धि हो जाएगी। और खा कौन रहा है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम। हाँ, तो चार प्रकार के अन्न मैं ही तुम्हारे चठर में बैठ के पचामी पचाता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो अंदर जब जाएगा तो भी भगवान के लिए ही, भगवान ही उसका स्वाहा करेंगे, तो इसीलिए वो भगवान को ही जा रहा है। तो इस भाव से खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, कोई भी क्रिया करते वक्त उसको भगवान को अर्पण करो, और फिर वो करें तो फिर वो क्या है? ईश्वरार्पण बुद्धि हो जाएगी। तो इसका फल ये होगा कि ईश्वर का स्मरण हो गया, इसलिए उस हद तक हमारी चित्त की शुद्धि होगी। तो इसलिए कहा है चित्तस्य शुद्धये कर्म, कर्म चित्त शुद्धि के लिए होना चाहिए। अच्छा, ईश्वर अर्पितम, फिर दूसरा
अभी इसके लिए मैं एग्जांपल आप मल्टीप्लाई करते रहे, जो भी हम नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, यस, काम्य कर्म भी करते हैं, उस वक्त भी कहो कि ये भोग जो मैं ले रहा हूँ वो भी भगवान के लिए ले रहा हूँ। तो निषिद्ध कर्म उसको भी भगवान को चढ़ाएं क्या? वैसे तो निषिद्ध कर्म नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई आदत है किसी को, अब ये बम्बई भाषा में कोई बेवड़ा है व्हाट डू ही डू, तो हमने एक स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हमको एक कथा, एक घटना बताई थी, आपने सुनी होगी, रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में। तो उनके सत्संग में एक ऐसे पियक्कड़ आता था, और वो सत्संग करते करते वो ट्रांस में चले जाते थे, बोल रहे हैं अचानक चले गए समाधि में, और ऐसे बैठे रहते थे, घंटों बैठे रहते थे। तो ये जो आता था पियक्कड़, वो ऑब्जर्व करता था, अरे ये तो इतने समय तक ऐसे रहते हैं धुन में अपने। तो एक दिन वो जाके उनसे पूछता है कि आप कौन सा ब्रांड लेते हैं, हमारी तो तुरंत उतर ही जाती है, आपका तो इतना घंटे कैसे इफेक्ट रहता है। तो उन्होंने कहा ये तो अलग ही ब्रांड है, इसको हम ब्रांड नहीं कर सकते। तो मुझे भी वो चाहिए, लेकिन मुझे ये आदत है, भी क्या करूं। तो बोलो उनको, उसको तुम भगवान को अर्पण करो पहले, और बाद में उसको पियो, बोले। ऐसे निषिद्ध कर्म है, बट उसको अगर छुटकारा चाहिए तो क्या करेंगे। तो उनको एक उपाय बताया गया, तो बोले लाइसेंस मिल गया हमको अभी तो, संत ने दिया। तो ही वुड कीप दैट ग्लास, प्राणा है स्वाहा, पाना है स्वाहा, गाना है स्वाहा, उदाना है स्वाहा, ब्रह्मण है स्वाहा, कुट कुट कुट। तो धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगा कि व्हाट इज दिस आई एम ऑफरिंग टू भगवान। कहीं पे एक सद्विचार आया कि ये चीज़ भगवान को मैं ऑफर कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस। तो उसी से उनका परिवर्तन हो गया, धीरे 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 वो आदत छूट गई, और वो सदवासनाएं वहाँ पे उत्पन्न हो गई सत्संग की, और ही बिकेम अ गुड पर्सन। तो निषिद्ध कर्म भी कोई हो रहा है, कोई ऊपर से ऐसा प्रेशर आता है, वासना प्रेशर, तो हम कर पड़ते हैं, तो उसको भी भगवान को अर्पण करो, और भगवान से कहो, प्रार्थना करो कि भगवान ये आदत मेरी छूट जाए जितनी जल्दी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ मी एंड ही विल आंसर। भगवान आंसर्स अवर प्रेयर्स, हाउ वी डोंट नो, बट ही आंसर्स, बट इट शुड बी सिंसियर। तो ऐसे कर्म करेंगे भगवान को, तो दिस इज पार्ट वन, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना चाहिए। अच्छा, तो कर्म करने के बाद उसके फल आते हैं, तो फल को कैसे स्वीकार करो। तो बोले प्रसाद बुद्धि से, जब हम कोई पेड़े का बॉक्स वगैरह भगवान को मंदिर में ऑफर करते हैं, तो पुजारी जी क्या करते हैं, एक किलो का है तो वो पाउंड किलो उसके बोलते हैं ना, वो अपने पास रखेगा और पाओ किलो हमको दे देता है और उसमें कुछ पत्ता वगैरह डाल देगा, तो उसी का पत्ता है ले लो करके। तो हम लोग का शिकायत नहीं करते, बोले ज़्यादा अपने पास रख दिया, हमको थोड़ा सा दिया, नहीं, जो भी मिला हमको, दो तीन चार पीसीस होंगे पेड़े के, वो हम सिर पे लगाते हैं, वो भगवान के चरणों से आया है, भगवान से आया है, तो उसको बड़े आदर के साथ हम ग्रहण करते हैं, विदाउट एनी राग द्वेष, विदाउट एनी कंप्लेंट, सबको मिल बांट के खाते हैं। तो प्रसाद या पेड़ा तो वही था, लेकिन अभी उसकी ओर देखने की दृष्टि हमारी बदल गई, बिकॉज वो कहाँ से आया है, भगवान से आया है। तो इसी प्रकार जब हम नित्य नैमित्तिक कर्म करेंगे और उसके जो फल आएंगे अच्छे या बुरे, तो उसको बोलो भगवान आपकी जो इच्छा, और इसी में सबकी भलाई। ये तो बड़ी प्रसिद्ध स्टोरी भी है, वो बीरबल अकबर की है, ऐसी एक कथा आती है ना, तो बीरबल अकबर की नहीं, राजा और प्रधान थे, तो प्रधान को आदत थी ऐसे बोलने की, बार बार वो बोलता था जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसी में सबकी भलाई, जो प्रभु की इच्छा, ऐसे बोलता था। और राजा को बड़ा गुस्सा आता था, बार बार वो भगवान को क्यों बीच में लाता है। तो एक दिन वो शिकार के लिए गए दोनों, तो बाण छोड़ते हुए बोले राजा की एक उंगली कट हो गई, तो इन्हें तुरंत बोला जो हुआ अच्छा हुआ, इसी में सबकी भलाई, जो प्रभु की इच्छा। अरे राजा को आया गुस्सा, बोले मेरी उंगली कट हो गई और तू बोल रहा है कि अच्छा हुआ। तो उसको धक्का दे के कुएं में डाल दिया वहाँ पे, और फिर
कुछ देर बाद वहाँ पे वो आदिवासी लोग आ गए और उन्होंने पकड़ लिया इस राजा को, वो सैनिक नहीं थे वहाँ, और उसको लेके गए उनके जो मुखिया था उनके पास। बोले आज अमावस्या की रात है, हमको एक बलि चढ़ाने के लिए, बलि का बकरा नर बलि चाहिए था, नर बलि, तो बोले इसको अच्छे से स्नान कराओ, अच्छे से उसको मेकअप वगैरह कराओ, जो भी करना है, हार वगैरह माला वगैरह पहनाई गई उसको, और सब डांस वगैरह शुरू हो गया उसके सामने, अकाली माता के सामने। और बोले अभी एक बार चढ़ाने से पहले उसके अंग को चेक करो, सब अंग ठीक तो है कि नहीं उसके। और उन्होंने जब चेक किया तो बोले एक उंगली कटी है उसकी, बोले जैसे डिफेक्टिव पीस, वापस करो। तो ऐसे डिफेक्टिव पीस हम चढ़ा नहीं सकते भगवान को, उसको छोड़ दो। तो उसको जहाँ से लाए थे वहाँ छोड़ दिया उन्होंने। अरे बोले बच गया मैं। उसको याद आया वो प्रधान ने कहा था, जो हुआ अच्छा के लिए हुआ, भगवान की इच्छा, इसी में सबकी भलाई। बोले 100% ट्रू इन माई केस। तो अभी वो ढूंढने लगा, वो कहाँ है कहाँ है प्रधान, तुम कहाँ हो? तो कुएं के पास गया, कुआ सूखा था, वो नीचे गिरा था, ऊपर नहीं आ सका। तो बोले मैं इधर हूँ, आ जाओ बचाओ। तो कुछ उसने किसी प्रकार उसको बाहर निकाल दिया और कहा तुमने जो कहा एकदम सही हुआ, अगर मेरी आज उंगली कटती नहीं तो मेरा गला कट जाता। हाँ, लेकिन एक बताओ इसे तुम्हारा क्या भला हुआ? आपको पता है उत्तर? बोले अगर मैं तुम्हारे साथ रहता तो तुमको छोड़ते, मुझे चढ़ा देते बलि, तो मैं भी बच गया, अच्छा हुआ तुमने मुझे कुएं में डाल दिया। तो ये एटीट्यूड हम अगर रखेंगे कर्म के फल को स्वीकार करते वक्त, जो भी कर्म है इतने सारे हमारे फल आते रहते हैं, कभी विपरीत फल आते हैं, कभी किसी में घर में एक्सीडेंट होता है, किसी की मौत होती है, कोई फ्रैक्चर होता है, पता नहीं क्या 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 लॉस होता है। इन एवरीथिंग भगवान हैज समथिंग टू गिव अस, टू टीच अस, बराबर है? तो एटीट्यूड अगर सही रखेंगे तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उस अनुभव से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअली आध्यात्मिक दृष्टि से ये प्रसाद बुद्धि जो है हमारे चित्त को साफ करती है। तो कर्मयोग किस लिए बताया है? चित्त शुद्धि के लिए। पहला दोष क्या था? मल। तो कर्मयोग से चित्त शुद्ध कैसे होता है? बोले ये राग द्वेष जो है ना, राग द्वेष क्या है ना, क्या राग यानि आसक्ति, यही चाहिए, द्वेष यानी ये नहीं चाहिए, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो मेरे मुझे ये क्यों मिला, मुझे तो वो चाहिए था, ऐसी पत्नी क्यों मिली, मैं तो ऐसे चाहता था। तो कभी कभी वो महात्मा लोग जोक करते हैं, शादी के पहले वो कैसी होती है? चंद्रमुखी होती है। बोले शादी के एक साल के बाद बोले सूरजमुखी, और 5 साल के बाद बोले ज्वालामुखी। तो मेरे जीवन में ज्वालामुखी क्यों? कुछ तो तुमको सिखाना होगा उनको, ज्वालामुखी भी शांत हो जाएगा एक दिन। तो प्रसाद बुद्धि तो भगवान ने हमको दिया है, उनको कुछ तो मेरा हित उन्होंने सोचा होगा, इसीलिए उन्होंने ये अनुभव मुझे दिया है। तो इस प्रकार से हम इसको स्वीकार करेंगे तो मन से राग द्वेष हट जाएंगे, जितने राग द्वेष कम है उतना मन शुद्ध हो जाएगा। तो वासनाएं भी क्षीण हो जाती है, व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स, कंसिडरिंग ही नोज बेटर। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हम, हमारा क्या बोलते हैं उसको, कमांड नहीं रहता, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो उस भगवान के हाथ में है, बराबर है ना? तो वी हैव टू एक्सेप्ट, गुरुदेव कहते थे ना, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट अन टू हिम। बेस्ट करना अपने हाथ में है, उसके बाद परिणाम प्रभु के हाथ में। तो इसीलिए क्या कहा, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो माम अनुस्मरा युद्धे च, उन्होंने कहा भगवान ने, मुख में राम नाम और सेवा राम की। तो जो भी आप कर्म कर रहे हो भगवान की सेवा है, इस दृष्टि से उसको करो। और हमेशा ये भान रहना है कि भगवान मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। जब भगवान मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, क्या बात है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि यानी क्या? विधाता जिसको बोलते हैं, प्रारब्ध कहो या वो भगवान जो ऊपर बैठा है हमारी भाषा में, हाँ, ऊपर वाले का विधान है, उसकी इच्छा है, ऐसा समझ के हानि और लाभ, सुख और दुख, और क्या है,
मान अपमान इस सबको, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स जो बोलते हैं उसको स्वीकार करो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, अब जिंदगी की डोरी भगवान के हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। तो हार जीत सब भगवान के हाथ में छोड़ो। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वासुदेव, कभी महलों में रहना पड़ेगा कभी झोपड़ी में। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना रे। नहीं, एक दिन रोडपति होता है आदमी, दूसरे दिन करोड़पति। हो कभी करोड़पति आदमी भी रोडपति बन सकता है ना। भगवान की पता नहीं किसको क्या बना है वो बैगर कैन ऑल्सो बिकम द ग्रेटेस्ट पर्सन इन दैट कंट्री, है ना। हाँ, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद है ना, थैंक यू वेरी मच भगवान, जो आपकी इच्छा है एक्सेप्ट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉट एवर द फ्रूट ऑफ माई कर्मा यू आर गिविंग आई एक्सेप्ट। किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। तो अभिमान करेगा तो मान नहीं मिलेगा, और होगा उसकी इच्छा के अनुसार ही, क्योंकि भगवान कैसे है, कर्म फल दाता है, वो कर्माध्यक्ष है। भगवान को कर्म क्यों अर्पण करनी चाहिए, ये प्रश्न किसी ने पूछा नहीं। पार्ट वन ऑफ कर्मयोगा, ईश्वर को अर्पण करो बोला। क्यों? क्योंकि कर्म करने के लिए तीन शक्तियां लगती हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। ये तीनों शक्तियों के दाता कौन है, बोले भगवान है। जो तीनों शक्तियां जिन्होंने हमको दी दी, तो उनको हम वापस देना नहीं क्या? अगर नहीं देंगे तो क्या बोलेंगे उसको भगवान? कृष्ण क्या कहते हैं, स्तेन एव स उच्यते, चोर है, सृष्टि से लेता है वापस नहीं देता, उसको क्या कहा तीसरे अध्याय में, चोर बोल दिया डायरेक्ट तो इसीलिए ये सब कर्म के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं भगवान देते, इसीलिए उनको वापस देना है। तो क्या कहा, किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा पार प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, इसीलिए फल की आशा छोड़ दो, अच्छा काम करो, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इसी से अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए हम प्रवचन के बाद अनुष्ठान के बाद हमेशा एक श्लोक बोलते हैं, चलो साथ में बोलते हैं, काये न वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। नारायणायति ऐसे बोलते, पानी छोड़ते हैं ना पूजा के बाद करते, हवन है तो इंद्राय स्वाहा, इंद्राय इदम, इदम न मम, ऐसा बोलते हैं। तो उसके लिए इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, जो भी, उनके लिए, मुझे नहीं है, ऐसे उनको अर्पण करना चाहिए। तो कर्मयोग यानी क्या, अगर उसका एक इक्वेशन बनाया जाए तो वेरी सिंपल इक्वेशन इज, कर्म करते वक्त बोलिए, नहीं उत्तर आप बोलिए, मैं प्रश्न रिपीट कर रहे हैं आप बड़े होशियार है शाणे आज शाणे कर्म करते तो कौन सी बुद्धि, ईश्वर अर्पण, भगवान को अर्पण करना है, और फल स्वीकार करते वक्त प्रसाद बुद्धि इज इक्वल टू कर्म योग। अगर विस्तार से चाहिए तो आप फिर स्वात्मानंद जी का प्रवचन आप सुन ही रहे हैं, अरे पता है सबको। अच्छा, तो इस प्रकार कर्मयोग यहाँ पे हम पूरा करेंगे, आगे जाना है। फिर दूसरा योग है भक्ति योग, और दूसरा दोष क्या है बताओ, हाँ विक्षेप, हाँ विक्षेप मन की चंचलता। तो जब तक मन की चंचलता है तब तक हम कोई ऊंची साधना नहीं कर सकते, साधना छोड़ो अपना रेगुलर काम भी नहीं कर सकते, रूटीन वर्क, बराबर ना। आजकल तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है कि एक हाथ में फ़ोन दूसरे हाथ में हो, हाँ काय हो कशा हाथ, हाँ
तो उसमें नमक की जगह और कुछ डाल देते हैं, नमक दो बार डालते, याद नहीं कितनी बार डाल दिया। फिर वो पति की बोम्बा बम शुरू हो जाती तब पता चलता है कि दो बार तीन बार डाल दिया, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल था, एक व्हाट्सएप था। तो अनेकाग्रता ज़्यादा हो गई आज, विक्षेप ज़्यादा है। तो मन को स्थिर करने के लिए जो योग बताया है वो है भक्ति योग, या उसी को उपासना योग कहते हैं, जिसमें हम भगवान के पास बैठते हैं फिजिकली ऑल्सो मेंटली ऑल्सो। तो भक्ति यानी क्या? भगवान से प्रेम करना। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, परम प्रेम रूप है वो। तो और प्रेम सबके हृदय में स्वाभाविक है, हम किसी ना किसी से प्रेम करते हैं कि नहीं दुनिया में, है ना? तो अच्छा, तो वो स्वात्मानंद जी गुरुदेव का एक वीडियो दिखाते हैं हमेशा अपने आई लव यू का, तो बोले आई लव माई वाइफ, आई लव माई डॉग, आई लव माई चप्पल, एक लाइन में बोलते हैं बोले वो। बड़ा ह्यूमरस वीडियो है वो। तो या अपने आप से कम प्रेम करते हैं ना, सबके हृदय में प्रेम भगवान ने दिया है। जो गुंडा से गुंडा आदमी भी क्यों ना हो, शुष्क हृदय वाला, वो अपने आप से तो प्रेम करेगा। तो वी हैव समबडी इन लाइफ हुम वी लव मोर देन 1, 2, 3, 4। तो प्रेम स्वाभाविक है। अभी इसी प्रेम को डायरेक्ट करना है किसमें? भगवान में, या किसी दिव्य चीज में, ऊंची चीज में। तो उसी को कहते हैं भक्ति। हाँ, तो भगवान में इन्वेस्ट किया प्रेम तो उसको भगवत भक्ति कहते हैं, देश में इन्वेस्ट किया तो, माता में किया तो, पिताजी में किया तो पितृभक्ति, और गुरु में किया तो गुरु भक्ति हो जाती है। दिस आर वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ भक्तिस, ईश्वर भक्ति, देश भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति और गुरु भक्ति। हाँ, तो इससे ये अनेक भक्ति के प्रकार हैं जो अपने हम भक्ति कर सकते हैं अलग अलग इनसे। तो भक्ति कैसे करें फिर? तो भगवान ने हमको, भगवान के पांच अंग हैं, पांच दृष्टि से हम भक्ति कर सकते हैं भगवान, या पांच साधन हैं। एक तो भगवान ने जब अवतार लिया तो एक नाम लेके अवतार किया लिया, तो राम बन के आए, तो राम उनका नाम है। हाँ, दूसरा होता है एक रूप धारण किया उन्होंने, तो हाथ में धनुष बाण है, पीतांबर है, मुकुट है इत्यादि, तो ये रूप है। फिर उस रूप के कुछ गुण होते हैं, गुण हो गए। फिर वो अवतार लेके आते हैं तो लीलाएं करते हैं अलग अलग, और फिर किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में वो यहाँ पे आते हैं। जैसे कृष्ण भगवान पहले तो मथुरा में आए, फिर गोकुल में गए, फिर वृंदावन में गए, फिर द्वारका गए। तो जहाँ जहाँ भगवान गए वो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है, तो ये उसको धाम कहते हैं। तो धाम में हमको गमन करना चाहिए। तो भक्ति के लिए ये पांच अंग है। तो पहला है भगवान का नाम। हाँ, तो भक्ति कैसे करें? इन पांच चीज़ों का आश्रय लेके कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाम, नाम को क्या करना चाहिए? नाम का जप करना चाहिए, नाम संकीर्तन भी होता है, नाम का संकीर्तन, नाम स्मरण भी बोलते हैं उसको। तो भगवान का नाम लेते लेते भगवान के रूप का स्मरण, नाम स्मरण। फिर रूप की पूजा होती है, रूप का ध्यान होता है, और रूप का एक सिंबॉलिज्म होता है, प्रतीकात्मक अर्थ होता है, प्रतीकवाद बोलते हैं उसको, याद रखना, थॉट फ्लो। गुण, भगवान के गुण है, गुणों का क्या करना है? अनुसरण करना है। भगवान के कुछ गुण हमारे अंदर भी आ जाए, इसलिए गुणों का अनुसरण। गुण क्या है इसके लिए पहले श्रवण करना पड़ेगा, नाम रूप गुण। फिर लीलाएं करते हैं भगवान, लीलाओं को क्या करना है? श्रवण करो। भागवत में भगवान की अनेक लीलाएं हैं, भक्तों की भी लीलाएं हैं। रामायण है तो रामलीला, कृष्ण लीला, इसका श्रवण करो, और धाम में गमन करो। तो ये पांच साधना है। और एक अंग है, वो है स्वरूप,
नाम रूप गुण लीला धाम और स्वरूप भी होता है, तो ज्ञान योग में आएगा। उसके ऊपर भी ध्यान कर सकते हैं, अपने स्वरूप के ऊपर चिंतन कर सकते हैं। तो अभी ये पांच अंगों के ऊपर आज चिंतन करते हैं। तो सबसे पहला है भगवान का नाम। तो सभी संतों ने हमको कहा कि भगवान का नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो। बोले क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सरल साधना है और बड़ी प्रभावी साधना है। हमारा ये जो हमारी सृष्टि जो है ना, हम हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं कि चार युगों में चलती है, युगों युगों में चलती है, और चार युग होते हैं। सबसे पहला कौन सा युग है? सत्य युग है, सत्य। दूसरा त्रेता है, तीसरा द्वापर युग है, और चौथा अभी कली युग चल रहा है। तो इन सभी युगों में मुक्ति के लिए अलग अलग साधन बताए हैं। भागवत में और रामायण में भी एक दो साधन अलग अलग थोड़े भेद से आते हैं। तो सत्ययुग में जो है मुक्ति के लिए तप बताया था। अच्छा, तो इसलिए हम बोल देखते हैं कि बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ पे हजारों हजारों वर्ष तप कर रहे हैं, ये सत्ययुग। फिर लोगों की थोड़ी सी चंचलता बढ़ गई, सात्विकता कम हो गई त्रेता युग में। तो उस वक्त यज्ञ याग बताए मुक्ति के लिए और दान बताया साधन। अच्छा, कौन से युग में? त्रेता। द्वापर युग में भगवान की पूजा और भगवान का ध्यान मुक्ति का उपाय बताया। और अभी कलयुग में कौन सा है साधन? नाम संकीर्तन है। कलयुग केवल नाम आधारा ऐसा है कहते हैं, केवल नाम आधार है कलयुग में मुक्ति के लिए। और बड़ा सरल है, कोई भी एक नाम ले लो, उसका जप करो, तो क्या होगा? आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसे हमारा शास्त्र कहता है। उसको आपको पावर बैंक से कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जाएगा। अगर है तो पावर बैंक है किसी के पास? मेरा वाला तो जाएगा श्योर। लेकिन गया। गुड। अच्छा, तो नाम, अभी नाम कर लेने के लिए जब हम बताते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन अगले भजन में हमको बताएंगे कि नाम के लिए कितना समय है और कब कब हम नाम ले सकते हैं। इधर देखिए, इधर अभी भजन गाइए, चलो ये दूसरे भजन में कहते हैं। हर एक क्रिया के बाद हम भगवान का नाम ले सकते हैं। खाते भी राम कहो, पीते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, बोलो। अब बोलिए, उठते भी राम कहो, फिरते भी राम कहो, अरे गिरते भी राम कहो, राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, पढ़ते भी राम कहो, लिखते भी राम कहो, अरे सुनते भी राम कहो, राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम,
खेलते भी राम कहो, जीतते भी राम कहो, जीतते भी राम, अरे हारते भी राम कहो, राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम हंसते भी राम कहो, रोते भी राम कहो, हंसते भी राम रोते भी, अरे मरते भी राम कहो, राम राम राम, मरते भी राम कहो, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मैंने क्रियापद वर्ब्स, खाते भी पीते भी, अरे पीते भी वो उसको खुश हो जाएंगे, दूसरा पीते है कुछ ठीक है पियो, लेकिन राम नाम लेके पीजा सोते भी राम कहो, हाँ सोने से पहले भगवान का नाम लेके सोते हैं, तो बोले पूरे रात में हमारे मन में भगवान खुद बैठ के जप करते अपने नाम का। बोले कैसे पता चलता है ये, आप उठेंगे ना तो भगवान का नाम लेके उठेंगे, फिर तो इससे पता चलेगा कि आपने सबकॉन्शियस माइंड में जप चालू था। कोई फिल्म सॉन्ग अगर देख के आते हैं या फिल्म देख के आते हैं या गाना सुन के हम जब सोते हैं तो उठने के बाद वो गाना गुनगुनाते उठते हैं कि नहीं, यानी रात दिन रात भर वो गाना अंदर कोई गा रहा था बैठ के। तो भगवान ने कहा है कि आप सोते सोने से पहले मेरा नाम लेके सो जाओ तो तुम्हारे लिए मैं अपने नाम का जप करूँगा। तो एक फैसिलिटी दी है भगवान ने, कितनी अच्छी बात है ना। तो आप सोएंगे तो भगवान कौन सा गाना है वो, मैं सो जाऊं कुछ ऐसा है, तुम गाओ मैं सो जाऊं तो भगवान कहेंगे मैं गाऊंगा तुम्हारा नाम तू सो जा मैं अपना नाम गाऊंगा तुम्हारे लिए तू सो जा आराम से। तो जो गृहिणियाँ हैं खाना पकाते वक्त नाम लेके कर सकते हैं, आजकल नो जप यंत्र भी मिलता है, श्री राम जय जय राम, अलग अलग मंत्र उसमें आते हैं, ट्यून 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 करेंगे तो जो चाहिए मंत्र है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बड़ा गंभीर आता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री कृष्ण शरणम नहीं तो फिर आप यहाँ पे सीढ़ी ले सकते हैं, देखिए ये आप इसको प्ले करेंगे ना, ये भजन सीखो पार्ट 3, ये 5-6 घंटे आराम से चलेगी। इसमें कितने भजन हैं, मोर देन 150 भजन। गाड़ी में अगर ट्रैवलिंग करते तो लगा के जाओ आप यहाँ से आराम से गोवा तक जा सकते इसको सुनते सुनते, तो इतने सारे MP3 में इसमें भजन है, हाँ वहाँ रखे हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट भी हो गया तो नाम संकीर्तन करो, जप करो, हाँ बस में ट्रेवल करना पड़ता है किसी को नौकरी के लिए, 1 घंटा उधर जाओ 1 घंटा आने के लिए, तो वो जप यंत्र भी मिलता है आजकल, इतना छोटा डिजिटल मशीन है उसको जप काउंटर बोलते हैं उसको, आप एक बार करेंगे तो 1 आएगा, ऐसा करेंगे 2 आएगा, अपने आप पता चलता है कितना जप हो गया है। और जब हमारे हाथ में कोई साधन होता है ना तो साधना अपने आप होती है, अगर आप कहेंगे मैं मेंटली करूँगा तो अचानक दूसरा कोई विचार घुस गया, बस से देख रहे बाहर कोई भीखमंगा दिखा, अरे ये भिखारी क्यों है भारत में हमारी शान खराब करते हैं, तो भिखारी के ऊपर चिंतन शुरू हो जाएगा। इसीलिए कुछ माला रखो छोटी वाली या ऐसे जप यंत्र हो, जप यंत्र तो इतना अच्छा है कि किसी को पता नहीं चलता कि आप जप कर रहे हैं कि नहीं, सो विदाउट एनी प्रदर्शन यू कैन डू जप। तो ये है, तो हर क्रिया में आप जैसे हम शास्त्र भी कहते हैं उठने के बाद भगवान का नाम ले लो, सुबह प्रभात है मनी राम चिंती सदावा पुढ़े वैखरी राम आधी वदावा सदाचार हाथ हो रहा सोड़ू न ये तो जनी तो चितो मानव ही धन्य हो। तो उठने के बाद स्मरण करो भगवान का और उच्चारण करो भगवान के नाम का, उनके रूप का दर्शन करो। तो इस प्रकार इसका मैं विस्तार नहीं करता, ठीक है आप जानते हैं। तो हर क्रिया में जब अपना मन खाली होगा उस वक्त हम
जप कर सकते हैं, इतने सारे स्लॉट्स मिलेंगे हमको कि वी कैन डू जपा। स्नान करते वक्त भी हम स्नान भगवान का नाम ले सकते हैं, वॉकिंग करते वक्त। हमारे आचार्य जी कहते थे एवरी डे यू शुड गो फॉर मंत्रम वॉक, एंड ही वुड प्ले विद दैट वर्ड वॉक, WALK यानी वॉक, संस्कृत का वॉक एंड इंग्लिश का वॉक, वॉक मंत्रम एंड मंत्रम वॉक। सो 20 मिनट्स मंत्रम वॉक, तो हाथ में जप माला ले लो या कुछ यंत्र ले लो एंड देन यू जस्ट डू वॉकिंग। तो वॉकिंग ऑल्सो विल बिकम डिवाइन, यू यूटिलाइज दैट टाइम। आजकल तो लोग ऐसे घुसा के वो जलते रहते हैं, हाँ है ना, और स्टेशन पे वगैरह वो ऐसे डाल के घूमेंगे और बात कर, हमको लगता है हमारे पास बात कर रहे कुछ क्या, तो हटो। बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। अभी तो आज तो विदाउट केबल भी मिलता है वो रिमोट, तो और हरात हालत खराब, वो तो बात कर रहा है किसी और से और हमारा हमको देख भी रहा है, हमको लगता है इंसल्टिंग सिचुएशन। आप उसके विक्टिम बने होंगे है ना, या आपने किसी को बनाया होगा विक्टिम, दोनों हो सकता है। तो भगवान का नाम अखंड लेना चाहिए, मरते भी राम कहो, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यप प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तो मृत्यु से पहले जो मेरा नाम स्मरण करके देह त्याग करता है वो मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आने के लिए आजीवन उसका संस्कार डालना चाहिए, ऐसा नहीं कि अच्छा हो गया चलो मरने के बाद राम बोल के मर जाऊँगा, ऐसे नहीं आएगा वो अपने आप, वो सब बाकी राम छोड़ के सब आ जाएगा लेकिन राम नहीं आएंगे। तो संस्कार डालना है बचपन से। नेक्स्ट, अभी नाम वैसे तो इतना छोटा सा है ना भगवान का नाम, राम कृष्ण गणेश शिव या देवी का, बट इतना प्रभावी है, इतना इफेक्टिव है। कभी कभी साधना छोटी होती है तो हमको लगता है कि ये टाइम पास हो गई है, वो जप ध्यान वगैरह करना है, चिदानंद रूप शिव, वो हमको अच्छा लगे, बड़े स्टैंडर्ड साधना हमारे लेवल के लिए, ये जप वगैरह क्या है यार, वो सब जिनको ज्ञान समझने की कोई ताकत नहीं है ना, बुद्धू है उनके लिए जप वगैरह बताएं, हम वेदांती है ये जप वगैरह हमको मत बताना, ऐसा कभी सोचना नहीं है। कल मैंने बताया था गुरुदेव भी जप करते थे, बड़े बड़े संत भी जप करते हैं, ज्ञानी लोग भी जप कर, जप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो भले ही छोटा हो बट प्रभावी हो। गुरुदेव गुरु जी कहते हैं भागवत में वहाँ पे कि इट इज़ लाइक दैट होम्योपैथिक पील होती है ना, छोटी होती है बट इट इज़ रियली इफेक्टिव। इसको बोलते मूर्ति छोटी कीर्ति महान, ऐसे भगवान का नाम है। और कलयुग में ऐसे ऐसे हम पाप करते हैं, ऐसे ऐसे दोष उत्पन्न करते रहते, उसके लिए कोई उपाय है तो वह है भगवान का नाम स्मरण। अच्छा, वैसे वो जिद्दी से जिद्दी दाग को भी जैसे धो डालने के लिए वो हम लगाते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर सर्फ एक्सेल, ये वो ऐसे बोले बाकी किसी से नहीं जाएगा, आप कितनी भी पूजा करो ये करो, बट भगवान का नाम ऐसा पावरफुल डिटर्जेंट है जो सब दोषों को निकाल सकता है। अच्छा, अभी नाम के पीछे क्या सिद्धांत है, भगवान का नाम यानी कुछ अक्षरों को मिला के वो नाम बनता है ना, रा और म को मिलाया तो राम बन गया, कृष्ण ऐसे, तो हाउ इट इज सो इफेक्टिव। तो एक बार गुरुदेव, मैंने सुना था ये कि गुरुदेव नाम महिमा के ऊपर बोल रहे थे, तो एक यंगस्टर था उसमें, तो बोले कि आई डोंट एक्सेप्ट दिस, हाउ इज इट कि इतना छोटा सा नाम और इतना इफेक्टिव हो, कैसे होगा, तो इट इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स एंड हाउ इट कैन बी सो इफेक्टिव। तो गुरुदेव ने कहा यू इडियट, यू आर चैलेंजिंग अ स्वामी, यू आर नॉट डिसबिलीविंग अ स्वामी, यू रास्कल, यू कम हियर, और ऐसे कुछ कुछ उसको उल्टा सीधा बोलने लगे गुरु, ऑन द स्टेज इज हाँ लेफ्ट एंड राइट देने लगे। अभी कम यार बोला तो वो तो बड़ा ये था इंटेलेक्चुअल था, आ गया वो सामने और उसके सामने फिर से बोले यू रास्कल यू इडियट यू डोंट अंडरस्टैंड इवन दिस यू आर डाउटिंग स्वामी है ओ, और एकदम गुस्सा हो गया वो, कौन वो युवक था ना, बोले हाउ कैन यू इंसल्ट मी इन दिस इन फ्रंट ऑफ सो मच पब्लिक, सो मेनी पब्लिक, दिस इज नॉट गुड। तो व्हाट डिड आई डू, गुरुदेव सेड
आई जस्ट प्रोनाउंस सम वर्ड्स विथ दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू लेटर्स मेड इन टू वर्ड्स एंड फ्यू वर्ड्स मेड इन टू सेंटेंसेस वॉट डिड आई डू अदर देन दिस. तो इसका तुम्हारे ऊपर इतना कैसे क्या इफेक्ट हो गया. हाँ, इफ बैड वर्ड्स इफेक्ट यू सो मच, गुड वर्ड्स वॉन्ट इफेक्ट भगवान देर. तो भगवान के कुछ नाम अगर हम लेंगे और प्यार से बोलेंगे तो उसके ऊपर भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं होगा क्या. यानी शब्द में शक्ति होती है ना, आप बुरे शब्द भी बोलो तो उसमें भी शक्ति है, अच्छे बोलो तो भी उसमें शक्ति होती है. वर्ड है द पावर बोथ. तो वो प्रभाव करता है हमारे ऊपर. कोई इंसल्टिंग बोलेंगे तो हमको बुरा लगता है. तो ऐसे ही भगवान के नाम का हम जप करेंगे तो भगवान को अच्छा लगता है. कहते हैं कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना तो भगवान हमारे ऋणी बनते हैं. क्या बनते हैं? हाँ, ऋणी बन जाते हैं. तो ऋण चुकाने के लिए उनको आना पड़ता है. बोले कब आएंगे वो? जब आपके ऊपर कोई संकट आएगा और आप कृष्णा बोलेंगे तो कृष्ण दौड़ के आएगा. बोले क्यों? क्योंकि इसने मेरा नाम लिया है और मुझे कर्जबाजारी बनाया है. मराठीत कर्जबाजारी म्हणतात ना. तो इसीलिए उनको रखो, डेप बोलते ना, डेप में रखो उनको. बाय टेकिंग हिज नेम कॉन्स्टेंटली नाम लेना है. तो यहाँ पे एक भजन है जिसमें कहा कि जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो के न याद हो. गुरुजी गाते, बड़ा सुंदर है. ब्रह्मानंद स्वामी ने ये भजन रचा है. बड़े संत हुए एक ब्रह्मानंद. तो इसको गाने से पहले एक बात है कि ये नाम ऐसा है कि इसको आप उसका अर्थ समझ के भाव से गाओ या विदाउट अर्थ समझ के गाओ, उसका इफेक्ट ज़रूर होता है. जैसे अग्नि में आपको श्रद्धा है या अश्रद्धा है, उसमें हाथ डालेंगे तो वो अपने हाथ को जलाएगी, वैसे भगवान का नाम है. वेदर यू हैव फेथ और नो फेथ बट इट वर्क्स. तो उसके लिए अजामिल का भी प्रसंग भागवत में आता है. अजामिल पता है ना, बड़ा दुष्ट था, पापी था, कुकर्मी था. लेकिन अंत समय जब वो यमदूत उसको लेके जाने लगे, देने के लिए आए, तो उसने क्या बोला? नारायण नारायण ऐसे बोल दिया. बोले नारायण किसका नाम था? उसके बेटे का नाम. ही कॉल्ड हिज सन. तो वहाँ पे विष्णु के दूत आ गए, पार्षद आ गए और इन यमदूतों को लात मार के भगा दिया. बोले गेट आउट फ्रॉम हियर, यू हैव नो राइट टू टेक हिज जीवात्मा, उसको छोड़ दो. तो इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो हाई कमांड तक पहुंच जाता है. फिर तो विष्णु ने उनकी तरफ से दलील दी. क्या बोले? तो उन्होंने कहा, उन्होंने तो अपने बेटे को पुकारा था, तो तुमने क्यों उनको बचाया? बोले मुझे पता है मेरा नाम क्या है, यू डोंट हैव टू टेल दिस, ओके. मुझे पता है मेरा नाम नारायण है. तो उसने नारायण बोला कि नहीं, चाहे किसी को बुलाया हो, लेकिन नारायण बोला ना, मेरा नाम नारायण, मैं जाऊँगा. अगर यहाँ पर मैं बैठ के अगर संतोष 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 बोलूंगा और यहाँ पे कोई संतोष है तो कोई चुप बैठ सकता है क्या? वो कोई है क्या? संतोष 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 संत. अरे क्या स्वामी जी बोलेगा? व्हाट डू यू वांट? ही विल रिस्पॉन्ड, ही हैज टू. तो एक आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, वो ही विल एक्नॉलेज योर कॉल. तो वैसे छोटे बच्चे वगैरह रोते हैं ना, वो तो रोते हैं कभी दूध चाहिए, इसलिए छोटे शिशु हैं. अब बढ़ते जैसे बढ़ते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए हम रोते रहते हैं, फिर विषयों के लिए रोते हैं. तो कोई कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए चॉकलेट, मुझे कैडबरी चाहिए कैडबरी चाहिए कैडबरी चाहिए कैडबरी चाहिए कैडबरी 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 ये लो कैडबरी. वो कैडबरी आती है कि नहीं उसके सामने? तो नाम लिया तो रूप, साड़ी ये साड़ी चाहिए ये साड़ी चाहिए ये साड़ी, चौथी गणेश चतुर्थी है ये साड़ी, नई साड़ी चाहिए नई साड़ी 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 ये लो साड़ी. तो उसका जप करते रहो, साड़ी का साड़ी आनी ही है. आप जो भी कुछ करो, आप चौराहे पे रहो, वहाँ पे गुलाब जामुन बोलो, एक्सपेरिमेंट करके आ जाना बाद. आपको ब्रेक देता हूँ. गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन. एक कोई आएगा वहाँ पे, कहाँ से आएगा भगवान जाने, आएगा बोले ठूसेगा मुँह में, अभी चुप बैठो. अनेक सिद्धांत ये है कि नाम लेते हैं तो रूप सामने आते. वर्ल्डली मैटर्स वी एक्सपीरियंस दिस. तो भगवान नहीं आएंगे क्या? ही विल कम. हाँ, आपको श्रद्धा हो ना हो, ही हैज टू कम, ही विल कम, ही कम्स, ही हैज कम. हाँ, व्हाट आर द एग्जांपल्स हियर, विल गिव दैट.
अच्छा अभी समझे बिना या समझ कर भक्ति से या विदाउट भक्ति बोलेंगे तो भगवान आते हैं, लेकिन तो भक्ति से बोलेंगे तो फिर कैसा होगा, उसका इफेक्ट अलग होगा कि नहीं, हमको आनंद आएगा कि नहीं। वी विल एन्जॉय दैट टेकिंग द नेम इफ वी डू इट विद भक्ति। मैकेनिकली बोलना तो एक है, चलो आरंभ में ऐसे ही होगी साधना, बट धीरे धीरे उसमें थोड़ा भाव आना चाहिए, थोड़ी एंग्जाइटी आनी चाहिए। नारायण 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 कहाँ हो नारायण, नारायण क्यों आते नहीं, नारायण नारायण एंड भक्ता वुड समटाइम्स क्राई एंड देन भगवान वुड अपीयर ऑल्सो। ना इतने सारे हमने देखे हैं कि उन्होंने नाम लिया, रोते रोते लिया तो भगवान सामने आ गए और उनको जो भी उनकी जो कष्ट था उससे उनकी मुक्ति की। एक बार गुरुदेव ने उदाहरण, उनका उदाहरण है उसमें, उस एट एवरी ब्रेथ द टीचिंग साधना करके एक विभाग है उसमें, तो उसमें वो कहते हैं कि उसमें ऐसी घटना लिखी है कि वो अपने ऑफिस में थे, पवई में ही उनके कुटिया में जाएंगे तो बाहर ऑफिस है और बैक साइड में यानी अगला रूम जो है हॉल है, तो वहाँ पे उनका टाइपिस्ट बैठा था, टाइपराइटर ना, जो उनका नाम नारायण था। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे आश्रम में नारायण नाम के मिले हमको, कुक भी नारायण होते, नारायण भाटिया तो सब जान, नरेन भाटिया बोल नारायण ही बोलती है उनको। तो वो नारायण नाम का उनका एक स्क्राइब था, तो उन्होंने उनको पुकारा, नारायण नारायण ऐसे उनको पुकारा और वो दौड़ के आ गया वो नारायण। बोले यस गुरुदेव व्हाट इज इट, तो ही सेड सी दिस, मैं तो नहीं दिखा सकता, ये देखो बोले। तो उनके पूरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे, उसको रोंगटे नहीं बोलना, रोमांच बोलते उसको, ऐसे हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। बोले नारायण ऐसे बोलना चाहिए, बोले ही डेमोन्स्ट्रेटेड डायरेक्टली, ऐसे बोलो जैसे रोमांचित हो पूरा शरीर, एंड ही एक्चुअली इट वॉज हैपनिंग विथ हिम एंड ही वॉज कॉलिंग होम, इस टाइपिस्ट को बुला रहे, लेकिन इस भाव से बुलाया जैसे भगवान को बुला रहे हो और पूरी फीलिंग से। तो ऐसे ये तो हम नाटक नहीं कर सकते ना ऐसे करने का, अनलेस देर इज फीलिंग दिस वॉन्ट कम स्टैंड, तो ही कुड से दैट। तो ऐसे करेंगे तो उस नारायण को भी आना ही पड़ेगा, आते हैं, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, सुनो। श्री राम जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो के ना याद हो, जो जब दैत्य चाबुक मारिया प्रह्लाद नाम उचारिया, जब दैत्य नख से असुर को बिदारिया तुम्हें याद हो के ना याद हो, जो नाम का प्रताप है ध्रुव को पिता ने निकालिया हरि नाम में मन ला दिया, ध्रुव को उसे अचल धाम दिला दिया तुम्हें याद हो के ना याद हो, जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो। गजराज पर विपदा पड़ी
मन में जपाओ हरि हरि गजराज। हरि 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 गजराज पर विपदा पड़ी, मन में जपावो हरि हरि ग्रह मार के मुक्ति करी। तुम्हें याद हो के ना याद हो जो द्रौपदी की लाज उतारिया, तब कृष्ण कृष्ण पुकारिया। द्रौपदी की ब्रह्मानंद चीर बढ़ा दिया, तुम्हें याद हो के ना याद हो जो नाम का प्रताप है। तुम्हें याद हो के ना याद हो, तुम्हें याद हो के ना याद हो, तुम्हें याद हो के ना याद हो। बोलिए पतित पावन भगवन नाम की जय। तो वो प्रश्न पूछते हैं, तुमको याद हो कि नहीं, याद है कि नहीं तुमको? बोले क्या याद है? बोले जब दैत्य चाबुक मारिया प्रहलाद नाम उचारिया। दैत्य कौन? हिरण्यकश्यपु ना, उनके बहुत सारे जो भी थे असिस्टेंट, वो अलग अलग प्रकार से उनको प्रताड़ित किया। मैं स्टोरी में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो हमेशा हरि हरि बोलते थे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। उनको लगता था, या लगता नहीं, पूर्ण विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। जब भगवान मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो जितने प्रकार से भी उनको वहाँ पे मारने की मरवाने की कोशिश की, हर बार उनको भगवान ने बचाया। और आखिर में प्रहलाद ही है ना, हाँ, तो हिरण्यकश्यपु एकदम बौखला जाते, बोले कहाँ है तुम्हारे हरी हरी बोलते, कहाँ है? बोले सब जगह पे है। कहाँ नहीं है? बोले इस खंबे में है। क्या खंबे में भी है? और उसने ऐसी जोरदार लात लगाई खंबे पे, तो खंबा बर्स्ट हो गया, टूट के ऐसे उसमें से भगवान ने ऐसा विचित्र रूप ले लिया। बोलो नरसिंह भगवान की, नरसिंह रूप लिया भगवान ने। और उससे नख से असुर को बिदारिया। तुम्हें याद हो, याद है? आपने देखा था क्या? हमने देखा था, हाँ, जब भागवत चल रही तो आंखों के सामने दृश्य आ रहा था, ऐसे देखा है, ठीक है। तो उसी वहाँ पे वो चैंगचुंग सिंह बैठा था, तो उसने देख लिया वो, फिर तो उसी वक्त वो नूडल्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। वो अंतड़ियाँ निकाली ना उसने, नख से असुर को बिदा लिया, वेरी गुड कॉन्सेप्ट वो चैंगचुंग सिंह, चाइनीज नूडल्स। अरे रसभंग करते स्वामी जी आप तो। चलो थोड़ा सा, नहीं तो सो जाएंगे, बीच बीच में करना पड़ता है ऐसे। तो ऐसे भगवान हैं वो, महाराष्ट्र में कोंकण में वगैरह वो क्या होते हैं, वो दशावतारी करके नाटक होते हैं, तो उसमें बड़ा मजा आता है। गांव में बच्चे वो सब बूढ़े मिलके नाटक करते हैं। तो एक नाटक में बोले वहाँ पे वो हिरण्यकश्यपु बना था पिताजी, उसका बेटा प्रहलाद बना था। तो क्या हुआ, तो वहां पे खंबे में किसी को बिठाया था उन्होंने, विष्णु को। तो वहां हिरण्यकश्यपु ने वो पूछा, कहाँ है तेरे भगवान? इस खंबे में है, ये सब जगह पे है बोलते, कहाँ पे है? बोले सब जगह। खंबे में है क्या? इस खंबे में है? भाई यहाँ पे नहीं है, इस खंबे में। ये तो बेचारे यहाँ पे लात पड़ेंगे, कुछ नहीं निकलेगा, तो इकड़े आए थे बाबा।
इकडे लात मारू नका तुम्ही, थोड़े मजा होता है वहां पे, तो सब जगह पे है। फिर दूसरा उदाहरण क्या है, ध्रुव को पिता ने निकाल लिया, हरि नाम में मन ला दिया, तो वहां पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, 5.5 महीने के अंदर भगवान उनके सामने चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हो जाते हैं, उसे अचल धाम दिला दिया, अभी भी है ना नॉर्थ पोल ना, नॉर्थ स्टार उसी को कहते हैं ना, हाँ, तो अभी भी वो ध्रुव जी उनके लिए एक अलग लोक बना दिया, ध्रुव लोक जिसको कहते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं, अभी भी गाइड करते हैं लोगों को। गजराज का उदाहरण भी है, कथा आती है भागवत में, तो उनको मगरमच्छ ने पकड़ा और उन्होंने पहले सब लोगों को पुकारा, किसी ने मदद नहीं की, वो पत्नियों ने, सब हाथनियाँ थी, दे कुड नॉट, फाइनली ही कॉल्ड भगवान, तो भगवान गरुड़ के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन उस गरुड़ की भी स्पीड कम हो गई, बोले वो खुद दौड़ के आ गए उससे उतर कर, और फिर क्या किया, सुदर्शन चक्र से उस ग्रह मार के क्या की, मुक्ति करी। तो वहाँ पे आया है कि मुक्ति पहले ग्रह की हो गई, मगरमच्छ की मुक्ति पहले हो गई, बाद में हाथी की, यानी क्यों हो गया ऐसे, बोले इसने भक्त का पैर पकड़ा था ना, इसीलिए भगवान ने वो जो अभक्त था वो मगरमच्छ उसको पहले मुक्ति दी। ग्रह मार के मुक्ति करी तुम्हें याद हो, द्रौपदी की लाज, तो द्रौपदी का भी उदाहरण है, भरी सभा में उनका वो विवस्त्र किया जा रहा था और सबको पुकारा उन्होंने, सब पतियों को पुकारा, भीष्म पितामह को, धृतराष्ट्र को, किसी ने उनको एक्नोलेज नहीं किया, कोई मदद के लिए नहीं आए, लास्ट में कृष्ण कृष्ण पुकारिया, तो भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और वस्त्रावतार लिया भगवान ने ऐसा करके, फिर हम देखते हैं सीरियल में ऐसे हाथ से साड़ी निकल रही है, हैं, तो साड़ी खींच रहा है लेकिन भगवान उन्होंने रिप्लेस किया, इतनी साड़ी का ढीक हो गया उन्होंने, फिर वो सब बॉम्बे डाइंग को बेच दिया, बोले इतनी साड़ी वहाँ पे ढेर लग गया, थक गया और गिर गया वहाँ पे, तो भगवान खुद वस्त्र बने अपने भक्त की लाज को रखने के लिए। ब्रह्मानंद चीर बढ़ा दिया तुम्हें याद हो कि न याद हो, ऐसे ये बहुत सारे उदाहरण है, जब भगवान का नाम मात्र लिया भक्तों ने और कुछ नहीं किया है, नाम लिया और भगवान ने उनकी मदद की वहाँ पे। तो अलग अलग प्रकार है भक्त के, कौन से है, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च, तो आर्त यानी संकट समय में जो पुकारते हैं, अर्थार्थ यानी पैसे के लिए, तो आर्त यानी भी है यहाँ पे द्रौपदी जी आर्त है, गजराज आर्त है, प्रहलाद जी भी आर्त टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं, अर्थार्थ यानी ध्रुव जी, उनको पद चाहिए था ध्रुवपद, जहाँ से कोई हमको नीचे ना खींच सके ऐसा पद दे दो, अर्थार्थी है, और अर्जुन कौन है, अरे जिज्ञासु है, तदेकम वद निश्चित्य, एक कुछ तो ठीक से बोलो हमको, तो शिष्य बन गए वो और ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञानी, ज्ञानी में कौन आते हैं, सुखदेव जी ज्ञानी भक्त हैं, परीक्षित जो है जिज्ञासु है, तो अलग अलग प्रकार के भक्त। तो नाम का प्रताप, तो ऐसा भगवान का नाम हम भक्ति से लेते हैं, तो बोले भक्त भगवान वहाँ पे आके नाचने लगते हैं, नृत्य करते हैं अपने भक्तों के संकीर्तन में, तो इसके ऊपर गुरुजी ने सुंदर भजन लिखा है, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, राम प्रेम में मगन हुए जन, राम प्रेम में मगन हुए जन, राम बिसरे देह का भान, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान,
आओ मिलकर भजन करें हम, आओ मिलकर भजन करें हम, भजन करें हम, भजन करें हम, आओ मिलकर भजन करें हम, मधुर मधुर गुणगान प्रभु चरणों में अर्पण सब हो, प्रभु चरणों में अर्पण सब हो, अपना तन मन प्राण, अपना तन मन प्राण, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान, राम प्रेम में मगन हुए जन, राम प्रेम बिसरे देह का भान, बिसरे देह का भान, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान, शिव नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान, कृष्ण नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान, 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 नृत्य करे भले, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का जब भक्ति भाव से लोग संकीर्तन करते हैं, नाम जप करते, तो भगवान से भले रहा नहीं जाता, वो क्या करते हैं, आके नृत्य करते हैं। ऐसे अनुभव बहुत सारे संतों के जीवन में हुए हैं। नामदेव कीर्तन करी नाचे बा संगे पांडुरंगा, हाँ, और उस अभी अभंग में आया है गड़ला पीताम्बर, पूरा तो अभंग याद नहीं है, जनाबाई का अभंग है वो। तो कहते हैं कि भगवान नाच, संत नामदेव कीर्तन करने लगे हो तो कीर्तन करते थे भगवान का, विठ्ठल 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 जय हरे विठ्ठल विठ्ठल। तो ऐसे सब लोग उसमें रम गए कि भगवान मूर्ति से प्रकट हो गए, छोटे बाल रूप में आ गए भगवान, और सबके बीच में खुद भी विठ्ठल विठ्ठल करके वो नाचने लगे, और ऐसे देहभान भगवान की छूट गई। ही फॉरगॉट हिमसेल्फ व्हेन ही इज डांसिंग अमंग दिस ऑल दिस डिवोटीज। और उनका जो पीताम्बर, पीताम्बर छूट गया ऐसा लिखा है, गड़ला पीताम्बर, ऐसा ऐसा प्रभाव है नाम में। और शिवाजी महाराज की भी घटना आती है कि उन्होंने सुना कि तुकाराम महाराज बढ़िया संकीर्तन करते हैं, कीर्तन नारदीय कीर्तन करते हैं, स्मरण नाम स्मरण करते कराते हैं, तो उनकी बड़ी तीव्र इच्छा हो गई कि मैं भी उसमें सम्मिलित हो जाऊं। तो कुछ ही अपने विश्वासु जो उनके सैनिक या जो मंत्री थे उनको लेके वो वहाँ पे आते हैं, देहू, देहू ना, देहू में गए, और वहाँ पे कीर्तन चल रहा था। तो मुगलों को पता चला कि ये शिवाजी विदाउट सिक्योरिटी हैज़ गॉन देयर, बोले यही अच्छा मौका है उनको, हाँ, काटा निकालने का। तो तुकाराम महाराज वहाँ पे कीर्तन करने लगे, और शिवाजी महाराज जाके ऐसे बैठे हैं, ध्यानमग्न है, और उनको पता चला भगवान की कुछ ऐसी कृपा ये हो गई कि सेंस हो गई कि मुगल आए हैं शिवाजी को ये करने के लिए। तो उन्होंने संकीर्तन शुरू कर दिया, ऐसे संकीर्तन हो गया विठ्ठल 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 विठ्ठल, और सब सब लोग वहाँ पे संकीर्तन में ऐसे तन्मय हो गए। और ये तब तलवार लेके वहाँ पे आते हैं मुगल, और ढूंढते हैं कहाँ है शिवाजी, कहाँ है। तो सब वो वारकरी वहाँ पे नाच रहे हैं ना, जिसको देखा वो सब किसकी तरह दिख रहा है, शिवाजी की तरह ही दिख रहा है। हर एक व्यक्ति शिवाजी, हर एक व्यक्ति शिवाजी, ये शिवाजी छोड़ दो इसको, पकड़ शिवाजी, ये टोटली कन्फ्यूज्ड। और उस दरमियान शिवाजी को पता चला कि दिस इज हैपनिंग, ही गॉट आउट एंड ही रन अवे।
तो ऐसे भी प्रसंग हैं, ऐसे भी घटनाएं, दे आर रजिस्टर्ड इन हिस्ट्री. क्या प्रभाव होगा नाम का है? तो भक्ति से नाम लेना है. तो भगवान को द्रवित करना है नाम से, तो बड़ा सुंदर है. इसी एक के ऊपर, एक साधना के ऊपर बड़ा लंबा 2-3 घंटे का या सत्र हो सकता है. 2-3 घंटा कम बोला मैंने, 15-15 दिन का नाम महिमा के ऊपर सत्संग होता है. तो हमको तो बहुत समय कम है. आगे भक्ति हमने कहा था 5 प्रकार से हम कर सकते हैं. भगवान के 5 अंग है, एक नाम है, दूसरा रूप है. रूप का क्या करना है? 3 चीज़ें बताइए. रूप का ध्यान, दूसरा रूप की पूजा होती है, तीसरा रूप का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है, सिंबॉलिज्म. तो सिंबॉलिज्म के ऊपर चिंतन करना होता है. रूप क्या, रूप की पूजा कर सकते हैं, रूप का हम सगुण ध्यान जिसको कहते हैं. तो सगुण ध्यान करने के लिए बहुत सारे संतों ने भगवान के रूप का वर्णन किया है, उसके ऊपर भजन पद गीत इत्यादि लिखे हैं. तो ये सबसे प्रसिद्ध है भगवान रामचंद्र जी के रूप का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हाँ, हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन. उनके लोचन कैसे हैं? नए कमल की तरह. कंज मुख, मुख कैसा है? कमल की तरह. कर कंज, हाथ भी कमल की तरह. पद कंजारुण, पैर भी कमल की तरह है. ऐसा कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम. तो उनकी छवि, उनका रूप ऐसा है कि करोड़ों करोड़ों कामदेवों के रूप को भी लज्जित कर दे, ऐसा उनका रूप है. और भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम. तो दैत्यों के वंश का पाउडर करने वाले हैं, निकंदम है, पेस्ट करने वाले हैं भगवान. ऐसे रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम. तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे. तो ये भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करने के लिए सुंदर गीत है. वैसे बहुत सारे हैं, हरिपाठ तो उसी में है. सुंदरते ध्यान उभाविटेवरी कर कटेवरी ठेवनिया तुलसी हार गरा गळा कासे पीताम्बर. हाँ, ऐसे हर एक देवता के अलग अलग आपको गीत मिलेंगे, पद मिलेंगे, श्लोक मिलेंगे, स्तोत्र मिलेंगे. अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराष्टकम, सब कुछ उनका मधुर है. मधुराधिपते है अखिलम मधुरम. लेट अस सिंग दिस. चार पे लेके जाना है गाड़ी. सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं. श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम. श्रीराम 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 श्री भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम. श्रीराम श्रीराम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उगारु अंग विभूषणम आजानु
भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम ममर्धय कंज निवास कुरु कामादि खलदल कंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम 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 जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम ओम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम ओम जय जय राम ओम जय जय राम ओम जय जय राम ओम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो रूप का ध्यान करना है, ध्यान करने के लिए बहुत सारे श्लोक हैं। ध्याय दाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटा मण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानम्। तो कहाँ पे है ये, कहाँ पे है? रामरक्षा स्तोत्र। तब महाराष्ट्रियंस तो बोलते हैं जनरली, तो ऐसे ध्यान है। एक श्लोक का आधार ले लो जिसमें भगवान के रूप का वर्णन है, उसका ध्यान करो। और आधा घंटा है ना। दूसरा, रूप का क्या करेंगे? पूजा। तो भगवान के अलग अलग रूप हैं। ये प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव पॉइंट है हिंदुइज्म में? तो कोई गुरुदेव के पास आर्ग्यू करने के लिए आया, बोले बोले आपके हमारे देखो आपके इसमें इतने सारे देवता है, बड़ा कन्फ्यूजन है। बोले हमारा तो एक ही है, एक ही जीसस क्राइस्ट है, कोई चिंता नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके शहर में केवल एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर है और उसमें एक ही ब्रांड के एक ही रंग के कपड़े मिलते हैं, और एक ही दूसरे शहर में दुनिया के सभी ब्रांड्स हैं और अलग अलग वहाँ पे स्टोर्स हैं, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे कपड़े खरीदने के लिए? कहाँ जाएंगे आप लोग? जहाँ पे वैरायटी हो ना, वैरायटी इज़ अ स्पाइस ऑफ लाइफ ऐसा कहते। तो साधना में भी हमको वैरायटी है, क्योंकि हम लोग वैरायटी है, हम लोग विचित्र है, हम सबके वासनाएं प्रवृत्तियां लाइक्स एंड डिसलाइक अलग है। ज़रूरी नहीं है कि जिनको रामचंद्र जी पसंद है उनको भगवान कृष्ण पसंद हो, ज़रूरी नहीं जिनको कृष्ण पसंद है उनको गणेश जी पसंद हो, शिव जी पसंद हो, देवी है गणेश जी ना। सो यहाँ पे इतने लोग 50-60 लोग होंगे, हर एक के इष्ट देवता अलग होंगे, पॉसिबल है ना?
वाई दे आर डिफरेंट, बिकॉज दे लाइक अपनी अपने स्वभाव के अनुसार हम भगवान को चूज कर सकते हैं. अगर हम नटखट है तो कृष्ण भगवान, हम बड़े धर्मशील है तो धर्मशील प्रभु राम कहाए, नटवर नागर कृष्ण लुभाए. अरे शंकर, शिव शंकर नित ध्यान लगाए, राम कृष्ण शिव नाम सुहाए. तो इतनी सारी वैरायटी है. तो आप ध्यान में रहने वाले शांत स्वभाव के हैं तो शिव जी, आप बड़े उग्र स्वभाव के हैं तो काली माता, उससे ज्यादा उग्र है तो नरसिंह भगवान की जय. तो इतने सारे देवता है, उतने सारे उनके रूप है, तो उतने सारे रूपों की हम पूजा कर सकते हैं, उनके हम अपने उनको हम अपना इष्ट बना सकते हैं. तो रूप की दूसरी साधना है पूजा करना है. तो ये भजन हमने वो चूज नहीं किया इधर शायद. तो वहाँ पे गुरुजी का ही द्वारा लिखा एक भजन है, मैं तो कानों से हरि गुण सुनूंगी और मुख से हरि गुण गाऊंगी, अपने हाथों से हरि को सजाऊंगी, प्रेम भक्ति से आरती उतारूंगी. इसमें लिखा है, मैं तो हरि के ही रंग में रंग जाऊंगी, दासी बन के ही मैं हरि के धाम रहूंगी. इसमें नाम रूप गुण लीला धाम सब आ गया एक भजन में. बढ़िया भजन है वह. तो ऐसे है. तो नेक्स्ट साधन क्या है, बोले भगवान की पूजा कर सकते हैं रूप की. चलो इस भजन को हमें गाते हैं, आ ही गया है. आई होप आई रिमेंबर इट व्हाइल आई सिंग इट. मैं तो कानों से हरि गुण सुनूंगी और मुख से हरि गुण गाऊंगी. मैं तो कानों से हरि गुण सुनूंगी और मुख केरवा गुण गाऊंगी, अपने हाथों से हरि को सजाऊंगी. अपने बोलिए, अपने हाथों से हरि को सजाऊंगी, अपने हाथों से हरि को सजाऊंगी, अपने हाथों से, अपने हाथों से हरि को सजाऊंगी, अपने हाथों से हरि को प्रेम भक्ति से, हे प्रेम भक्ति से आरती उतारूंगी. प्रेम मैं तो कानों से हरि गुण सुनूंगी और मुख से हरि गुण गाऊंगी. मैं तो कानों से हरि के गुण सुनना है, मुख से हरि के गुण गाना है, और हाथों से क्या करना है, यानी पूजा करनी है. पूजा में षोडश उपचार है ना, संकल्प होता है, भगवान को आवाहन करते हैं, आवाहन के बैठने के लिए आसन देते हैं, फिर पैर धोने के लिए पाद्यम, हाथ धोने के लिए अर्घ्यम, फिर मुख्य आचमन यम, मुँह धोने के लिए आचमनम होता है, स्नानीयम अभिषेकम, फिर वस्त्रम, फिर अलंकार पहने जाते हैं, यज्ञोपवीतम, फिर क्या होता है वो अत्तर वगैरह डालते हैं, हम अपने लिए लगाते हो भगवान को भी करते हैं, है? फिर गंधम समर्पयामि, कुंकुमम धारयामि, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पै ही पूजयामि, पुष्पमालाम धारयामि, फिर नैवेद्यम निवेदयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, और मंगल निराजनम आरती दिखाना है. उसमें फिर धूप दीप नैवेद्यम ये सब है और आरती है. तो ऐसे षोडश उपचार है जो हम अपने शरीर से भगवान के शरीर की पूजा कर सकते हैं. काय वांग मन कार्यमुत्तमम
पूजनम जप चिंतनम क्रमात्। काया से भगवान की पूजा, वाक से या वाणी से भगवान के नाम का जप, और मन से भगवान के रूप का चिंतन करना है, रमण महर्षि जी कहते। तो ऐसे पूजा करनी है। तो पूजा क्यों बताई है? पूजा के द्वारा हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। भले ही शुरुआत में हमको बड़ी मैकेनिकल लगती है, टाइम पास लगता है, हाँ, हमारे भारतीय संस्कृति में हर एक घर में, हिंदू घर में देवारा रहता है ना, पूजा घर होता ही है। बम्बई जैसे छोटे से इसमें भी एक डब्बे में भी होगा, डब्बे के ऊपर होगा, पूजा होने के बाद डब्बे वापस डाल दें ऐसा होगा, लेकिन अवश्य होगा। कहीं एक कोई डब्बा है कैन, उसके ऊपर रख दिया, वहाँ पे जला दिया दीपक, बट दे विल हैव प्लेस फॉर भगवान। है बड़ा घर है तो बड़ा आकार है देवघर का, छोटा घर है तो छोटा है। एंड वहाँ पे वो गृहस्थ है, वो स्नान आदि के बाद वहाँ पे दीप जलाता है, फूल अर्पण करता है, अगरबत्ती दिखाता है, आरती करता है, कुछ नैवेद्य रखता है और फिर अपने काम पे ले जाता है ना, करते हैं ना? नहीं करते हैं तो करो तो इससे उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं हम भगवान के साथ। और उसकी परिसमाप्ति क्या है पूज्य की, कि एक दिन हम भगवान को केवल उस मूर्ति में सीमित नहीं रखेंगे, देखेंगे। हम कहाँ देखेंगे भगवान को? अष्टमूर्तिभृत देव पूजनम कहा है। ये पूरी अष्टमूर्तियाँ है ना, पंच महाभूत, सूर्य, चंद्र और जीव, बोले इस सब में भगवान व्याप्त है। ये दृष्टि होगी किससे? पूजा से। पूजा इज अ साधन दैट विल शो यू वन डे दैट भगवान इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस वन फॉर्म, बट ही इज इन एवरी फॉर्म। कोटि कोटि रूपे तुझी, कोटि सूर्य चंद्र तारे, कोटि कोटि रूपे तुझी, कोटि सूर्य चंद्र तारे, कुठे कुठे शोधू तुला, कुठे कुठे शोधू तुला, तुझे अनंत देवारे। कहाँ कहाँ धूम धूम है, तुम्हारे अनंत देवारे। देवारे मीन्स व्हाट? पूजा घर अनंत है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम करूं प्रणाम, जोरी जुग पानी। हमें बोलते हैं कि वो सिया राम मैं सब जग जानी, पूरे जगत में मैं भगवान को देख रहा हूँ, सिया राम, इसलिए सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है, समय नहीं है जहाँ पे भगवान न रहे होंगे। देश काल सब जगह पे, हर समय, हर परिस्थिति में या हर चीज़ में, वस्तु में भगवान व्याप्त हैं। तो ये किससे मिलती है दृष्टि? पूजा का एकदम अल्टीमेट, इसकी परिसमाप्ति बोलते हैं ना, इस भाव से होगी कि हम सब जगह पे भगवान को देख रहे हैं, देखने लगेंगे। तो शुरुआत, इसीलिए स्थूल बुद्धि जब होती है, समझ नहीं आता, तो शुरुआत पूजा से करो, धीरे 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 हो जाएगा। और वहाँ पे हमारे संतों के जीवन में इतने सुंदर सुंदर अनुभव लिखे हैं। नामदेव महाराज जब छोटे थे, नामदेव ही ना छोटे थे, तो उनके पिताजी ने एक दिन उनको कहा, मस्ट बी 4 ईयर्स और 5 ईयर्स ओल्ड, कि आज मुझे बाहर गांव जाना है पूजा के लिए, आज की हमारी घर की पूजा तुम करो। उनका एक घर का अपना प्राइवेट मंदिर था, तो आज पूजा तुम करना विट्ठल भगवान की, और सब देना वहाँ पे, नैवेद्य वगैरह खिला के ही आना, ठीक है? ऐसे थोड़ा बजा के बता दिया उनको, बजाऊन सांगितलं और हमेशा की तरह फिर हो गए। अब ये छोटा बालक, उनको क्या पता, माने वो दे दिया नैवेद्य, दूध और कुछ होता है, बोले दे। वो पूजा की, जब नैवेद्य देने का समय आया, बोले रख अभी भगवान आ जाओ खाओ। अरे छो इनोसेंट बॉय, और भगवान आ ही नहीं रहे। बोले लवकर या कुठे आते में, भगवान थोड़े आते हैं, वो तो फिर
स्माइलिंग बेचारे, और ही इज वेटिंग कि पिताजी ने कहा था ना कि नैवेद्य खिलाए बिना नहीं आना है तुमको, तो ही वॉज लाइक नहीं तो हमको मार पड़ेगी, वो बोलेंगे तुमको खिलाया नहीं ऐसे आ गए ना, वो बोल रहे कि भगवान जल्दी आ जाओ, डोंट टेस्ट माई पेशेंस, और डरने लगे कि पिताजी मारेंगे सच मुझे नहीं इन्होंने नहीं खाया तो। तो फाइनली ही सेड अगर तुम नहीं आते तो मैं यहाँ पे अपने सिर फोड़ के जान दे दूंगा, तुम्हारे पैरों के ऊपर सिर आप तो नहीं मरुण दाना। सो अब एक्चुअली जब फिर वो सिर ऐसे तोड़ने लगे अपना वहाँ पे पटकने लगे तो वहाँ भगवान प्रकट हो गए, बोले ऐसे जिद्द क्यों करते हो तुम, कभी भगवान आते हैं क्या, भगवान कभी खाते हैं क्या वैसे, तो न आने वाले भगवान आज आ गए तो आने वाले न खाने वाले भगवान को अभी खाना पड़ेगा, बोले खाओ इसको, तो उद्धव की खीर जो बनाई थी वो सब उन्होंने खाना ही पड़ा, भक्त है ऐसा खाया और खुश हो गए चले गए। माताजी ने पूछा नैवेद्य किधर है, क्योंकि हमेशा पिताजी नैवेद्य लाते, बोले खाया भगवान ने, है क्या बात करते हो, हाँ मम्मा खाया। अभी उनके भाव में इतनी शुद्धता थी, पवित्रता थी, इनोसेंस था, शी डिड नॉट क्रॉस क्वेश्चन हिम अगेन। जब पिताजी घर आए उनके तो उनको बताया आज ऐसे ऐसे घटा, तो उनको भी आश्चर्य हो गया, बोले कल से फिर से हम नाटक करेंगे कि हमको जाना है, एंड आई विल कीप अ वॉच। तो फिर से बोले आज कल भी हमको जाना है, कल की पूजा तुम करो, तो अच्छा ठीक है बोले गए, और वो छुप के देखने लगे, और उन्होंने फिर से भगवान को बोला आ जाओ, भगवान नहीं आ रहे, बोले कालचा सर का करूँगा आप टू का डोका। तो ऐसा जब बोला तो भगवान तो आ गए, उसको खा लिया, और एक खुशी से जा रहे, जब जा रहे तो वो वहाँ पे उनके पिताजी बाहर आ गए, पेड़ पेड़ के पीछे छुपे थे, उसको उठाया और नाचने लगे, बोले हमारे अनंत को जो क्या बोलते हैं उसको कुलों का तुमने उद्धार कर दिया, जो हम नहीं कर पाए वो तुमने किया, तुमने खुद भगवान को खिलाया, हम तो ऐसे नैवेद्यम समर्पण हम ही करके आते थे, लेकिन यू लिटरली मेड हिम ईट एंड ड्रिंक दैट नैवेद्य, यू आर सो ग्रेट। और बाद में हम देखते हैं कि ही वुड स्पीक टू विठ्ठला, विठ्ठल कैसे हो, विठ्ठल भी बोलते थे बड़ा बोर हो गया यार, इतने लोग आते हैं यहाँ पे, हाँ ये मांगते वो मांगते, मुझे कोई नहीं मांगता, मुझसे ये वर्ल्डली चीज़ें मांगते रहते, चल आप जावे थोड़ा खेले अपन जैसे दो मित्र ऐसे बात करते थे, ऐसे दे वुड स्पीक टू ईच अदर। अभी हम ये सुनते हैं तो हमको क्या लगता है, सच लगता है क्या, हमको क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि शुद्ध नहीं है, हमारी तो हम लॉजिकल है, भगवान थोड़ी आते हैं, बट वहाँ पर भगवान आए, उन्होंने लीलाएँ की। हनुमान जी तो अपने कौन है रामदास स्वामी के साथ बात करते थे, उनको दर्शन देते थे, अनेक कथाएँ हैं, टाइम इज़ नॉट इनफ फॉर दैट, भक्त प्रकट होते थे। सो पूजा इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मीडियम टू कनेक्ट विद द गॉड। और पूजा करने के बाद थोड़ी देर बैठना चाहिए, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ ये तो बैठो और फिर उस भगवान को देखो, पाँच मिनट के लिए देखो, आफ्टर भगवान खुश हो गए कि नहीं मेरी पूजा से, आपने सब किया, इज ही हैप्पी, यू कैन फील दैट ही इज हैप्पी, वेदर इट इज़ गुरुस पूजा और वेदर इट इज़ योर इष्ट देवतास पूजा। तुरंत नहीं उठना है, हम लोग म्हणतो पूजा करून टाकली आणि झालं आजचं म्हणतो ना तो ऐसे टाकू नका, ठेवा तिला थोडा वेळ, तो उस भाव में रहो पूजा के। सो पूजा, सो रूप की पूजा होती है, पहले का रूप का ध्यान होता है, रूप का एक सिंबॉलिज्म भी होता है, सिंबॉलिज्म यानी ऐसा रूप क्यों है। तो जैसे यहाँ पे हमने चूज़ किया है शिव जी का, तो शिव जी के रूप को देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं, वो जटा है, वो जटा क्यों है, उसकी में गंगा जी है, वो गंगा जी क्यों है, वो एक चंद्रमा भी है, वह चंद्रमा इसे ये सांप लटक रहे, बोले सांप क्यों क्यों लेके घूमते हैं, और काला नीला कंठ है उनका, वाह डमरू है, डमरू क्यों है। तो इज अ लैंग्वेज ऑफ सिम्बॉलिज्म, यू विल सिंग दिस नेक्स्ट भजन। ये बदल गया इधर, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले जटाधारी को अनाड़ी मत समझो, जटाधारी को अनाड़ी
मेरे भोले बाबा के सिर पे है गंगा, गंगा देख के हे गंगा देख के फवारा मत समझो, गंगा देख के भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले मेरे भोले बाबा के गले में है सांप, सांप देख के हे सांप देख के सपेरा मत समझो, सांप देख के भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले डमरू देख के हे डमरू देख के मदारी मत समझो, डमरू भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी, बैल देख के हे बैल देख के व्यापारी मत समझो, बैल भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को मेरे भोले बाबा के पास में है गौरी, गौरी देख के हे गौरी देख के संसारी मत समझो, गौरी भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को जटाधारी को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं आप थोड़ा थक गए हो, थोड़ा इसीलिए प्रोविजन दिया है, थोड़ा हाथ वगैरह ऊपर करो आप इसलिए होता है कि हाथ ऊपर करना क्यों होता है, ऐसा करते हैं गन लेके तो क्या करते हैं आप, हैंड्स अप मींस आई एम एट योर मर्सी, आप जो करना है कर सकते हैं मेरे साथ। तो ऐसे भी सिंबॉलिज्म है, उनको भोले बाबा को अनाड़ी मत समझा। अनाड़ी यानी क्या, खिलाड़ी का उल्टा, तू खिलाड़ी तू अनाड़ी नॉन प्लेयर जटाधारी को अनाड़ी, मेरे भोले बाबा के सिर पे गंगा। तो गंगा केवल फव्वारा नहीं है, लेकिन वो ज्ञान गंगा है, भक्ति की गंगा है, कर्म की या कर्मयोग की गंगा है। हाँ, तो ये गंगा का उगम हिमालय में होता है, वैसे ही ज्ञान का उगम भी हिमालय से ही हुआ है, और वो सब पूरे भारत भर जाती है बाद में ज्ञान गंगा। राम भक्ति जैसे सुरसरी धारा का है, ये गंगा जी ने राम जी की भक्ति है जो शिव जी के मस्तक से निकली हुई है, क्योंकि शिव जी राम जी के भक्त हैं। फिर तीसरा, एक गंगा जी सबकी सेवा करती है, आधे भारत को पुष्ट करती है अपने पानी से, इसलिए वो कर्मयोगी नहीं है, तीनों योग इसमें आ जाते हैं। मेरे भोले बाबा के गले में है सांप, ये सांप काल का प्रतीक है, काल यानी मृत्यु, मृत्यु से सब डरते हैं इसलिए सांप से भी डरते हैं। तो सांप को उन्होंने अपने वश में कर लिखा रखा है, यानी काल के भी अधिपति हैं, काल काल के काल है ये, महाकाल है जिसको कहते हैं, मृत्युंजय भगवान। तो ये वो मदारी नहीं है, वो सपेरा नहीं है, वो मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, डमरू जब वो डांस करते हैं, कौन सा डांस, तांडव, हाँ, तो उस वक्त डमरू बजाते जमूरे, हाँ वो आते हैं, अभी यहाँ पे नहीं आते, वो पहले आते थे गाँव में बहुत, हैं वो बंदरों को नचाने वाले, तो ऐसे थोड़ी है भगवान हमारे। तो बोले जब वो डमरू बजाते तो उसमें सब विद्याओं का उगम होता है,
तो पाणिनि ने वो ये सुना, बोले डम 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 होता है ना, तो उसमें से उन्होंने वो कुछ पाणिनि सूत्र निकाल दिए, मैंने बोले इसमें तो व्याकरण के नियम लिखे हैं वो डम रुख वगैरह, तो मुझे एक ही आता है। तो ऐसे कुछ 14 सूत्र हैं और उस इस साउंड्स लाइक डमरू का साउंड, ओके, इट इज़ नॉट मीनिंगलेस नॉइज, बट इट इज़ अ वॉट विथ मोस्ट मीनिंगफुल साउंड। फिर या वो नाद ब्रह्म का भी प्रतीक है, फिर क्या होगा, बैल की सवारी, बैल स्टैंड्स फॉर धर्म, तुम नहीं बैल स्टैंड फॉर मैं आप तो गाय है बैल स्टैंड्स फॉर धर्म, तो धर्म के ऊपर आरूढ़ होके जाते हैं, हाँ इसीलिए। और मेरे भोले के पास, बाबा के पास में है गौरी, गौरी देख के संसारी मत समझो, संसारी मीन्स वॉट, वन हु इज अटैच टू सम सारी इज कॉल्ड संसारी, संसारी से आसक्त है ना, तो सारी स्टैंड फॉर पत्नी, योर बिजनेस, योर फर्नीचर, योर कार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाँ तो उसको साड़ी कहते हैं, संसार में जो अटका हुआ है। नहीं, इतनी सुंदर पत्नी है ऊपर, उतनी सुंदर गंगा जी है, फिर भी बेचारे कहते हैं, बेचारे क्यों कहे उनको, हाँ वो तो ऐसे ध्यान में मग्न है, कोई उनसे प्रभावित नहीं कर सकता। आप ध्यान कर सकते हैं क्या, बताइए मुकुल भाई, और आप सब लोग कभी ध्यान करते हुए देखा है मुकुल भाई को, बिल्कुल नहीं कर सके ये लाओ सब्जी खत्म हो गई है, कांदा लाओ, ये लाओ वो लाओ, तुम ध्यान क्या ध्यान ध्यान में बैठे, बड़े आ गए ध्यान, हम ध्यान करने बैठेंगे भी तो पत्नी उठा देगी, लेकिन ये ऐसे है कि शी इज़ मोस्ट कोऑपरेटिव बोथ ऑफ देम, तो ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाय देम, और वो उनकी आदि शक्ति है, उनका आधार लेके पूरी सृष्टि की उत्पत्ति करते, स्थिति करते, प्रलय करते। देखो इट्स अ बिग दिस, शॉर्ट में बनना पड़ रहा है। फिर नाम रूप गुण, गुण का रूप का सिंबॉलिज्म भी है, फिर गुण होते हैं, समय खत्म हो गया मेरा। गुण के ऊपर क्या करना है, मैंने क्या कहा था, अनुसरण करना है, गुण गाँव में तुम्हारे मुरारी, गुरुजी ने वहाँ पे लिखा है, सुंदर सुंदर गुण है भगवान के, तो सुंदर सुजान कृपा के निधान, निज धान धाम देने असुर संहारी, असुरों का संहार किया और उनको अपना धाम दे दिया, ऐसे भगवान है, मारते भी है तो उनको तारते हैं, हाँ भक्त जन कर प्रण करत सम्मान, निज मान त्यागी प्रतिज्ञा भी सारी, तो भक्त के प्रण का सम्मान करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ देते हैं भगवान, ऐसे गुणों का अनुसरण करना है। और फिर क्या है, धाम है भगवान का, तो धाम का में गमन करना है, जैसे अभी आप गमन कर रहे हैं अपने अपने घर में, वैसे हमको तीर्थ यात्रा करनी है, जहाँ पे भगवान ने अवतार दिया, लीलाएं की, तो वहाँ जाने के बाद हमको भगवान के अस्तित्व का स्मरण होगा, तो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार ये भक्ति की 5 साधनाएं हमने देखी, जितना समय मिला उतना। कल भगवान की एक और साधना है लीला, उसको देखेंगे कृष्ण लीला के रूप में, और फिर ज्ञान योग होगा और सबको मुक्त करके ही हम जाएंगे यहाँ से आगे, ज्ञान योग के बाद मुक्ति होती है ना, तो साधक की यात्रा कल खत्म होगी, तो कल का दिन मिस मत करना। आरती करेंगे, और आप सबको एक मैं बता दूं कि गोवा में एक साधना शिविर हो रहा है, हम स्वामी माधवानंद जी और हम ले रहे हैं, और वो अगले महीने है, मैं है 15 तारीख से 21 तारीख तक, और शांता दुर्गा चामुंडेश्वरी देवस्थान केपेम गोवा, वहाँ पे शिविर होगा। तो ये 4 दिन का शिविर है, उसमें 2 दिन गोवा का साइट सींग होगा, और उसमें स्वामी माधवानंद जी मेडिटेशन, प्राणायाम, रुद्र हृदय उपनिषद और गरुड़ गीता इसके ऊपर प्रवचन करेंगे, और मैं भक्त भक्ति भगवान इसके ऊपर संगीत प्रवचन करूँगा। इसके डोनेशन है 10,000 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ ट्विन शेयरिंग सेल्फ कंटेंट रूम्स, एक कमरे में 2 लोग विद अटैच टॉयलेट बाथरूम, और नॉर्थ एंड साउथ गोवा का एक एक दिन साइट सींग होगा। हाँ तो आपके लिए पैम्पलेट वहाँ पे है, जिनको आना है यू आर मोस्ट वेलकम, स्टिल वी हैव सम सीट्स लेफ्ट। जनक युवावीर नीलिमा पिल्लई वंदना दर्शनी, सबके लिए जोरदार तालियां।
ओके ठीक है। आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की दिव्य रूप मूरति करुणा की आरती सद्गुरु की चरणों में उनके शांति समाए शरणागत की भ्रांति मिटाए पाप ताप संताप हरण की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती सद्गुरु की। वेद उपनिषद गीता को गाया धर्म सनातन फिर से जगाया शुद्ध नीति प्रीति शंकर की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती सद्गुरु की। सिद्धवाड़ी की तपोभूमि में नित्य विराजे गुरु हमारे भक्त हृदय आनंद स्रोत की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती सद्गुरु की। आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की दिव्य रूप मूरति करुणा की आरती सद्गुरु की आरती सद्गुरु की। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। बोले श्री सद्गुरुनाथ महाराज की आज के आनंद की जय। हाँ अभी सबको दिखाइए वहीं से दिखाइए सब लोग लीजिए आरती। आप वहाँ पीछे भी दिखाइए सबको। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।